वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए बजट में युवाओं, किसानों और करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। बजट में जहां किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, वहीं करदाताओं को मामूली राहत दी गई है। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया गया है। इस राशि का उपयोग कृषि सुधार, सिंचाई परियोजनाओं और फसल बीमा योजनाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पैकेज किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। नए स्टार्टअप्स और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड की घोषणा की गई है। शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना है ताकि युवा सशक्त और आत्मनिर्भर बने। आम करदाताओं के लिए टैक्स स्लैब में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। टैक्स छूट की सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है, जिससे मध्यम वर्ग की थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इस बार करदाताओं के लिए कोई बड़ा कर सुधार नहीं किया गया है। बजट के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में अधिक निवेश का वादा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिनमें उद्यमिता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विपक्षी दलों ने बजट को मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं का कहना है कि किसानों और सुविधाओं के लिए घोषणाएं स्वागत योग्य है, लेकिन करदाताओं को दी गई राहत अपर्याप्त है। उनका कहना है कि सरकार को कर सुधारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2024 किसानों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ आया है। 1.52 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वही युवाओं के लिए नई योजनाएं और फंड्स उनकी रोजगार और उद्यमिता की संभावनाओं को बढ़ावा देंगे। हालांकि करदाताओं को मामूली राहत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद यह बजट समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।